मैं दिगंबर कश्यप न्यूरोथेरेपिस्ट, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर किसी को साइटिका है तो हम खुद कैसे ठीक करें, आइए मैं आपको बताता हूँ। अनुजी आप लेटे, सबसे पहले मरीज को उल्टा लिटाना है, इस प्रकार से उल्टा लिटाना है। ये आप देख रहे हैं जहां हम बेल्ट बांधते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये बेल्ट बांधते हैं, यहां पर L5S1, ये जो हमारा स्पाइन है इसके वर्टिब्रा के नाम है। ऊपर से देखेंगे सर्वाइकल है ना, ये सर्वाइकल का होता है, फिर थोरासिक, लंबर और नीचे सैक्रल। तो जहां L5 होता है वहां S1 शुरू होता है। इसी बीच में देखेंगे मोस्टली प्रॉब्लम्स आती हैं, नर्व दब जाना, जिसे नर्व कंप्रेशन भी बोलते हैं, या स्लिप डिस्क। आप रिपोर्ट्स देखेंगे MRI की, उसमें लिखा होता है स्लिप डिस्क या L4 L5, या लिखा होता है डीजेनरेशन। इसका मतलब है कि नस संबंधी दिक्कत है, नस दब रही है। और साइटिका जो नर्व है हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व है, जो हमारी बैक से निकलकर और हमारी एड़ी तक जाती है। जब किसी को साइटिका होगा इतना एक्यूट पेन होता है कि बर्दाश्त नहीं होता, बहुत जबरदस्त दर्द होता है, जैसे कि किसी ने सुई चुबा दी हो, भाले जैसा। इसका बहुत जबरदस्त एक्यूट पेन होता है, बर्दाश्त नहीं होता, व्यक्ति कई बार तो गिर भी जाता है और पैर में जबरदस्त सुन्नपन होता है, दर्द के मारे तड़फ जाता है। तो हम इस बीमारी को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है। आइए देखते हैं। इस प्रकार से दो कुर्सियां लेनी है और अपने जो पैर का अगले वाला हिस्सा है, पंजे वाला हिस्सा, इसे इस प्रकार से रब करना है सेंटर में 10 से 12 बार। ऐसे ही साइड में थोड़ा पैर को टेढ़ा किया 10 से 12 बार और इस प्रकार से। फिर कुर्सियों को और पास में लाना है और अपना एक पैर इस प्रकार से रखना है। कुर्सी पे प्रेशर रहे, बहुत ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, हमारा प्रेशर कुर्सी पे रहे इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत हल्का प्रेशर, अभी मेरा प्रेशर नहीं है, पेशेंट को कहना है दोनों पैर मिलाइए, पैर उठाइए इस थोड़ा नीचे, इतना पैर उठाना है और अपने पंजों से इस प्रकार से एड़ी से पंजे को घुमाते जाना है और एड़ी से बटक्स की नीचे की ओर प्रेशर देना है। 6 से 7 बार ऐसी क्रिया करनी, बहुत ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार से पैर दोनों नीचे, फिर पैर को अपने हाथों से इस प्रकार पकड़ना है और दो तकिए इस प्रकार से लगाना है। कुर्सी को सहारा लेते हुए उसी प्रकार से, और अपना जो अंगूठा है पैर का, इधर स्पाइन के दोनों साइड में 3 पॉइंट बनाने, 1 2 3, 1 2 3, ऐसा 3 बार कर लें। जिस पैर में साइटिका है, मान लीजिए इस पैर में साइटिका की दिक्कत है, तो वो बिल्कुल सेंटर में इस प्रकार से दर्द आएगा, बहुत जबरदस्त। कई बार तो ऐसे लगेगा हाथ लगाने से या देखने से कि नस खड़ी हुई है। तो क्या करना, उसके बाद अपने अंगूठे से पास पास नीचे तक पास पास 3 से 4 बार ऐसे करना है। इससे जो भी नर्व कंप्रेस हो रही है, नर्व में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, कोई रुकावट आ रही है, तुरंत जैसे ही हम ये पॉइंट देंगे ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो तेज होगा, नस खुलेगी और दर्द एकदम छुमंतर। सालों की समस्या है, कुछ ही दिनों के इन पॉइंटों के द्वारा बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। चाहे डॉक्टर ने ऑपरेशन क्यों ना बताया हो, कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस प्रकार से करना, ये पॉइंट लिया और अभी अपने पैर से जो पॉइंट हमने प्रेस किया उसको रिलैक्स करना है। इस प्रकार से सीधा हो जाओ, सीधा बैठना। पेशेंट के पैरों की तरफ इस प्रकार से बैठना है और अपने हाथ से इसको इस प्रकार से पकड़ना और पंजे को आगे की ओर प्रेशर देना, 3 बार ऊपर की ओर, 3 बार नीचे की ओर। जब हम ये पॉइंट करेंगे तो कमर में कितनी भी दिक्कत है इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। इस प्रकार से फिर
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइडों में तीन तीन बार घुमाना। जिसमें दिक्कत है उसमें भी करेंगे, अगर दोनों में दिक्कत है तो दोनों में करें, एक में दिक्कत है तो एक में करें। ये ट्रीटमेंट करने के बाद इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। सालू की समस्या कुछ ही दिनों के न्यूरोथेरेपी उपचार से पूरी तरह ठीक हो सकती है। चाहे आपके डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी हो तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये पॉइंट खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे लिखे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आ सकते हैं। हमारे दो चैरिटेबल सेंटर चलते हैं, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जैन स्थानक बलबीर नगर में, शाम को 4 से 7 बजे तक महाराज अग्रसेन भवन वेस्ट ज्योति नगर में। आपको चाहे साइटिका है, चाहे स्लिप डिस्क है, चाहे नर्व कंप्रेस है, चाहे स्टेनोसिस है, कोई भी कमर संबंधी दिक्कत है या कोई भी नस दबी हुई है तो आप हमारे यहाँ न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए अवश्य आएँ और अपनी सालों की समस्या को कुछ ही दिनों में पूर्णतः ठीक पाएँ। अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।